नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, UPNHM नर्स फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के एडमिट कार्ड आ चुका है। दोस्तों, इसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा है, लगभग एक महीने में इसके अप्लाई ऑनलाइन के बाद पेपर कराया जा रहा है। दोस्तों, इसके हम बता दें कि अप्लाई स्टार्ट इसके 27 नवंबर से हुए थे, 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक लगभग 15 दिन इसके अप्लाई ऑनलाइन हुए थे और लगभग 15 दिन बाद ही इसका पेपर कराया जा रहा है। इसके 28 और 29 दिसंबर को पेपर है UPNHM, जिसमें NHM BSc नर्सिंग और ANM की भर्ती थी नर्सिंग में, और वहीं फार्मासिस्ट में एलोपैथिक फार्मासिस्ट की, वहीं लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती थी इसमें। चलिए अब हम देखते हैं इसके एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। अब हम चलते हैं सीधे गूगल पे। चलिए हम गूगल पे सर्च करते हैं सरकारी रिजल्ट। या नीचे स्किप करके हम ऐसे देखते हैं, हम एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं UPNHM 17,000 प्लस पोस्ट एडमिट कार्ड 2022। हम नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाके हम यूज़र आईडी और पासपोर्ट और यहाँ पर कैप्चा भर के अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी डालना है, नीचे आपको अपना पासपोर्ट डालना है और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। यहाँ पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।